हेलो फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर के कटलेट। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन में भी बना सकते हैं। तो मेरी इस कटलेट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज मैं ये आपको ठंड में आने वाली ये जो मटर होती है ना हरी हरी, बहुत ही इसका बढ़िया टेस्टी आपको नाश्ता बना के दिखाऊंगी, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको बहुत पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मटर के कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए एक बाउल मैंने मटर लिए हैं कच्चे वाले और इनको अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ अदरक के पीस लिए हैं और यहाँ पे हरी मिर्च ली है 3 से 4, बीच में से काट लिए हैं मैंने 2 पीस में। अब हम मिक्सी जार लेंगे और अब हम इनका एक अच्छा सा दरदरा पेस्ट बनाएंगे। तो मिर्च, अदरक और मटर को हम मिक्सी जार में डालेंगे और बिल्कुल फाइन पेस्ट ना करते हुए इनको दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ पे हमें इसमें पानी कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ सिंपल ऐसे ही इसको पीसना है। तो ये देखिए कितना, ये अभी थोड़ा सा ये मोटा है और ये इसी तरह से आपको पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, तो दरदरा ही रखना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे और उसमें अपना ये सारा जो हमारा दरदरा पेस्ट है वो उसमें हम डाल लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और वो हम इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 1/3 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दही, ये मैंने घर की ही जमी दही ली है। और अब हम इसको डालते हुए इस सारे मिक्सचर को इस तरह से मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से हम धीरे धीरे अच्छे से मिला लेंगे। दही डालने से हमारे जो ये कटलेट है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो बस अब हम इन सब को अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। तो ये अभी हमारा जो बैटर है वो टाइट है। तो यहाँ पे मैं इसी कप में पानी ले रही हूँ, तो 1/2 कप मैंने दही लिया था, 1/2 कप पानी है। तो पानी हम इसमें बाद में और भी ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे। तो बस इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही आप इसमें पानी डालिए, मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी बताऊँगी कि कैसी होनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल लीजिए। तो इनको पहले हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगा कि पानी कम है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल लिया है और अब हम इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो बैटर है वो रेडी होना चाहिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आए। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश करी पत्ते। अगर आपके पास करी पत्ते हैं तो आप इसको ज़रूर ऐड कर लीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े मसाले। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो जो लाल साबुत मिर्च होती है उसको अच्छे से कूट लीजिए और उसको इसमें ऐड कर लीजिए, इससे ताकि ये देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल जो लाल मिर्च पाउडर आता है ना वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं। तो बस अब हम सबको अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। तो ये सारा हमारा जो है अच्छे से मिल चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें आपस में मिल जानी चाहिए। और अब इसके अलावा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज़ के और वो हम इसमें ग्रेट कर लेंगे। तो ये मैं मोटी वाली जो दो तरफ से इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो ये हमारे अच्छे से ग्रेट हो चुका है और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि जो हमारा ये बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। 5 से 10 मिनट हो जाने के बाद ये देखिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून ही हम इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे बैटर में अच्छे से जल्दी ही मिक्स हो जाए। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसीजर हमें सबसे लास्ट में तब करना चाहिए जब हमको ये बनाना हो, नहीं तो बेकिंग पाउडर अपना जो वर्क है वो नहीं करेगा। तो बस ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो बेकिंग पाउडर डालना पूरा तरह से ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पे कटलेट मोड़ लिया है और उसमें हम इस तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें बैटर डालना शुरू करेंगे। तो बच्चों को तो वैसे भी जो कटलेट हैं उनकी नई नई शेप्स खाना बहुत ही पसंद होता है, आप उनको बिल्कुल अलग अलग तरीके से ब्रेकफास्ट में ये बना के दीजिए, बहुत ही चाव से वो खाएंगे। तो बस मटर को हमें ठंड में ज़रूर खाना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको मटर के पकौड़े, मटर के अप्पे और आज मैं आपको दिखा रही हूँ मटर के कटलेट बना के। तो इसी तरह की चटपटी रेसिपीज़ हमको ट्राई करते रहना चाहिए। तो बस अब हमारे ये हो चुके हैं, गैस ऑन करेंगे और कटलेट का मोल्ड इस पर हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसको हम ढक के छोड़ देंगे। और 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे तो हमारे जो है बिल्कुल कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और थोड़ा सा ऊपर ऑयल ग्रीस करेंगे। और अब हम इसको पलट के देखेंगे कि इसके नीचे की जो साइड है वो सिक गई है क्या। तो जब ये सिक जाती है तो ये अपने आप ही ये साइड छोड़ देता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सिक चुकी है। और अगर आपको कहीं लगे कि ये कहीं से कच्चा रह गया है तो इसको आप दोबारा से एक बार और पलट के सिक सकते हैं। तो ये लगभग नीचे से बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सिक चुका है, ये देखिए। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और बस थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इसको हम ढक के फिर छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो ये जल जाते हैं। तो बस अब ये देखिए हमारे बढ़िया से सिक चुके हैं और इसको भी हम पलट के देख लेंगे। वाओ कितना बढ़िया टेक्सचर देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया कलर आया है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर बनाइए, इसको ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, जब चाहे आपका दिल करे इसको बना के खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है, लाल चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है। वाओ देख रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतनी बढ़िया बढ़िया मज़ेदार हमारे स्नैक्स होते हैं और ये इतनी बढ़िया चीज़ें हमने बना के तैयार करे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।